तो चलिए फ्रेंड, आज हम एक और एप्लीकेशन बनाते हैं, एक और ऐप डेवलप करते हैं, जो कि हमारा जो भी हम टेक्स्ट टाइप करेंगे उसको वो स्पीच में कन्वर्ट कर देगा। जो भी हम टेक्स्ट टाइप करेंगे उसको स्पीच में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। उसके लिए एक ऐप है, तो क्रिएट करते हैं न्यू ऐप, ठीक है। और यहाँ पर स्टार्ट, जैसे ही हम यहाँ करते हैं स्क्रीन आती है, तो इस स्क्रीन को हमें कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर हम न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट है न्यू प्रोजेक्ट। ये हमारा पुराना प्रोजेक्ट था, ये हो कि स्पीच टू टेक्स्ट था, यानी जो कुछ भी हम बोलते थे वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो रहा था। अब हम जस्ट इसका रिवर्स प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट करते हैं हम। और ये हमारा है टेक्स्ट टू स्पीच, मतलब जो भी हम बोलेंगे वो वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी हमारे टेक्स्ट कमांड को वॉइस कमांड में वो कन्वर्ट कर देगा। इस तरह से हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हमारे को अगर हम देखें हमारा डिजाइन, तो डिजाइन में क्या क्या आ सकता है, या हमारा डिजाइन का व्यू क्या हो सकता है। तो सिंपल सा एक बटन की हमें जरूरत तो पड़ेगी ही, तो एक बटन तो हम ले ही लेते हैं। और जब हम इस बटन पे क्लिक करें, ठीक है, तो जो भी हम टाइप किया हमने कुछ वो स्पीच में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए हमें स्पीच टेक्स्ट भी चाहिए होगा, ठीक है। एक टेक्स्ट बॉक्स की रिक्वायरमेंट होगी, अब टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स को उसको नीचे करते हैं, या टेक्स्ट बॉक्स है। तो यहाँ पर हम जब क्लिक करें, ठीक है, ये हमारा बटन है, इस बटन पे क्लिक करें हम तो वो स्पीच में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। और इसको कन्वर्ट करने के लिए फिर हमें टेक्स्ट टू स्पीच का हमें सॉफ्टवेयर लेना होगा, ठीक है। तो हम चलते हैं इधर और देखते हैं कि टेक्स्ट टू स्पीच, यहाँ पर देखेंगे आप, टेक्स्ट टू स्पीच नाम से एक सॉफ्टवेयर है, कंपोनेंट है, उसकी हमें यहाँ पर जरूरत है, वो हमें लेते हैं। और क्योंकि ये नॉन विजिबल कंपोनेंट है तो ये यहाँ पर शो होता है, ठीक है, यहाँ पर वो शो नहीं होगा क्योंकि विजिबल नहीं होगा वो, और यहाँ पर हमारे स्क्रीन में एड हो जाएगा। और जैसे हम यहाँ पर स्क्रीन का नाम चेंज करना चाहते हैं, तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है पिछले वीडियो में भी, तो हम इस तरह से स्क्रीन का नाम, जैसे स्क्रीन बने तो हम इसको कर सकते हैं टेक्स्ट टू स्पीच, ठीक है, टेक्स्ट टू स्पीच नाम दे दिया मैंने स्क्रीन का। तो हम चल के देखेंगे तो यहाँ ये चेंज हो चुका है। और हम चाहते हैं कि ये जो कंपोनेंट है ये थोड़ा सा स्क्रीन के बीचों बीच यहाँ पर सेट हो जाए, ठीक है। तो बीचों बीच सेट करने के लिए इसका हम अलाइनमेंट सेट करते हैं, किसका, स्क्रीन का। हमने स्क्रीन में जाके अलाइनमेंट सेट करते हैं, तो अभी लेफ्ट है तो ये यहाँ पर लेफ्ट साइड में अलाइनमेंट हो रहा है, हम लेफ्ट की जगह इसको सेंटर अलाइन करते हैं। तो इस ये स्क्रीन में जो भी कंपोनेंट यूज हो रहे हैं वो सब सेंटर सेंटर अलाइन हो गए। और हम यहाँ पर अभी, लेकिन ये टॉप हम चाहें बीचों बीच अलाइन करना तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर ये टॉप से अलाइन वर्टिकल, ये वर्टिकल कैसे अलाइन करना है, तो ये अभी यहाँ वर्टिकल में अलाइनमेंट की बात करें तो ये ऊपर लेवल ऊपर है, और हम यहाँ इसको सेंटर में करना चाहते हैं, तो सेंटर कर देंगे तो देखिए ये यहाँ से सेंटर में आ गया है। सेंटर मतलब ये ऊपर से सेंटर, यानी यहाँ और यहाँ से ये पूरा अगर हम देखें तो इसके बीचों बीच में सेंटर में है, ठीक है। इसको हम वर्टिकल अलाइन कहते हैं, और हॉरिजेंटल अलाइन मतलब ऐसे। तो यहाँ पर भी हम आप देख सकते हैं, जैसे कि अलग अलग तरह का अलाइनमेंट, ये राइट किया हमने तो ये राइट साइड में अलाइनमेंट हो गया, ठीक है, और यहाँ लेफ्ट किया तो लेफ्ट साइड में अलाइनमेंट हो गया, और यहाँ पे सेंटर किया तो सेंटर अलाइनमेंट हो गया। तो ये हमारा था हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का। उस तरह से हम स्क्रीन को जब वर्टिक यहाँ पर भी देखें, टॉप अलाइनमेंट करेंगे तो टॉप साइड में अलाइन हो गए सारे कंपोनेंट, और अगर हम बॉटम करें तो ये नीचे अलाइनमेंट हो गए हैं बॉटम साइड में, और इसको सेंटर कर देंगे तो ये बीचों बीच अलाइनमेंट, ठीक है। तो इस तरह से हम अलाइनमेंट भी हम सेट कर सकते हैं। और इस स्क्रीन का जैसे हम कलर सेट करना चाहते हैं, तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ बैकग्राउंड कलर जो है
यहाँ पर जाके हम अभी बाय डिफॉल्ट यहाँ पर व्हाइट है, इसको हमने येलो कर दिया। तो कोई भी हम कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, रेड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको अभी येलो कर दिया, तो ये बैकग्राउंड का कलर जो है इस स्क्रीन का येलो हो गया। और इसका हम कलर सेट नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये व्हाइट अच्छा दिख रहा है। हाँ, इसका कलर जरूर हम सेट कर सकते हैं, तो हमें इस बटन को सेलेक्ट करना होगा। इस बटन को हम सेलेक्ट करके और हम इसका थोड़ा फॉन्ट साइज भी चेंज करना चाहते हैं, तो मैंने इसको 20 कर दिया, तो देखिए थोड़ा साइज बढ़ गया। और इसके ऊपर हमें इसका टेक्स्ट जैसे लिखा है टेक्स्ट टू बटन वन, तो हमें इसको चेंज करना है। तो यहाँ पर जाएंगे हम इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी, इस टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाके और हम यहाँ इसको चेंज कर देंगे, इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, जो टेक्स्ट टाइप होगा वो टेक्स्ट कन्वर्ट होके स्पीच में जाएगा, है ना। तो इसको करते हैं अपन टेक्स्ट टू स्पीच, सीधे सीधे हम टेक्स्ट टू स्पीच लिख देते हैं तो इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए टेक्स्ट टू स्पीच, जो भी हम टेक्स्ट यहाँ पर टाइप करेंगे वो हमारा वॉइस में कन्वर्ट होके हमें सुनाई दे जाएगा, ठीक है। तो हम ये करना चाहते थे और इसका भी हम कलर चेंज करना चाहते हैं, तो हमने ये सिलेक्ट किया। यहाँ से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं कंपोनेंट, और यहाँ से भी, यहाँ इसमें डायरेक्ट कर सकते हैं। तो हमने ये बटन वन सिलेक्ट किया और इसका हम बैकग्राउंड कलर, इसका बैकग्राउंड कलर हम थोड़ा सा ये ऐसा कर दिया हमने, ठीक है। तो ये हमने इसका सेट कर दिया कलर, और ठीक है चलिए। तो ये तो था हमारा डिजाइन वाला पार्ट, ठीक है, कि हमने डिजाइन कर दिया। अब हमें इसकी कोडिंग करनी है, कोडिंग करनी है, जो हमारा लॉजिक है वो कैसे शो होगा वो हमें देखना है, ठीक है। तो लॉजिक शो करने के लिए हमें इसके करनी पड़ेगी कोडिंग, और कोडिंग के लिए आपको पता है हमें कहाँ जाना पड़ता है, हमें जाना पड़ता है ये ब्लॉक्स में, कोडिंग के ब्लॉक्स में। अच्छा, जो देख सकते हैं आप यहाँ पर, देखिए फोन का साइज जो है अलग अलग फोन साइज में कैसा दिखेगा हमारा ये टेक्स्ट, ये देख सकते हैं। यहाँ पर जाएं और टेबलेट साइज में कर देंगे तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपको आपका है। और यहाँ पर जाके हम मॉनिटर साइज कर देते हैं तो ये देखिए ये इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम फोन साइज रखेंगे, फोन में इस तरह से आपका ऐड दिखेगा, ठीक है। चलिए हम जाते हैं हमारे ब्लॉक्स पर, ब्लॉक्स में जाएंगे हम, यहाँ पर हमें कोडिंग करनी है, ठीक है। और कोडिंग में हमें क्या करना है, लॉजिक हमें क्या लगाना होगा, तो यही हमें सोचना पड़ता है कि एग्जैक्टली हमारा लॉजिक लॉजिक क्या लगेगा। तो सिंपल सी बात है कि सबसे पहले आपको यह समझ में आ रहा हो कि इस बटन पे हम क्लिक करें तो यहाँ पर जो लिखा हो वो स्पीच में कन्वर्ट होके यानी वॉइस में कन्वर्ट होके हमें सुनाई दे जाए, ठीक है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट यूज किया है, ये टेक्स्ट टू स्पीच, ये टेक्स्ट टू स्पीच कंपोनेंट है, ये हमारे लिए ये टास्क कंप्लीट करके देगा। और इसमें यहाँ पर हमें कुछ सेटिंग्स ऑलरेडी दी हुई है पिच की और स्पीच रेट की। तो पिच का मतलब होता है कि हम पिच अगर कम ज़्यादा कर देंगे तो हम जो वो जो भी बोलते हैं वो वॉइस चेंज जाएगी, है ना। जैसे आवाज़ पतली करना, मोटी करना, है ना, भारी आवाज़ करना। भारी आवाज़ किसकी होती है, मेल की भारी आवाज़ थोड़ा भारी होती है और फीमेल की आवाज़ थोड़ा सा हल्की होती है। तो 0.1 है तो ये फीमेल की आवाज़ है, इसको हम 2 कर देंगे तो मेल की वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम वॉइस किस तरह की वॉइस में हम सुनना चाहते हैं हमारे टेक्स्ट को, ये हम देख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और स्पीच रेट, स्पीच रेट मतलब कि जो स्पीच होगी वो नॉर्मल तरीके से बोली जाएगी या थोड़ा फास्ट बोली जाएगी या बहुत फास्ट। तो जैसे हम फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं तो आवाज़ वगैरह जैसे डिजिटल होकर आती है इस तरह से तेज़ी से, या स्लो करते हैं तो बिल्कुल धीरे धीरे। जैसे मैं आपको बोल के बताऊँ अभी कि यहाँ पर आप टेक्स्ट टू स्पीच एप्लीकेशन बना रहे हैं, ये मेरा स्पीच का जो है ये स्लो कर दिया मैंने। हम यहाँ पॉइंट पे चले जाएंगे तो वो स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो वो हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। तो अभी हम यहाँ पर जो एज इट इज जो दिया हुआ है वही रखते हैं। हम यहाँ पर हम जाके लैंग्वेज भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट, और बाय डिफॉल्ट यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट है तो वही आएगी। उस तरह से हम कंट्री भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें आगे हम क्या कर सकते हैं। तो हम चलते हैं ब्लॉक्स पे और हमें यहाँ टेक्स्ट टू स्पीच हमारा जो है
कंपोनेंट उस पर काम करना है, तो वो टेक्स्ट टू स्पीच कंपोनेंट क्या काम करेगा, ठीक है, ये हमें जानना जरूरी है। तो जब बटन पे क्लिक हो तो टेक्स्ट बॉक्स में जो कुछ भी हो वो स्पीक कर दे, बोल दे, ठीक है। इसके लिए मतलब हमें सबसे पहले क्या लॉजिक है हमारा कि बटन पे क्लिक करें तभी ये टास्क परफॉर्म होगी। तो हम यहाँ बटन पे क्लिक करने के लिए बटन पे जाते हैं और बटन का क्लिक ये हम सिलेक्ट करते हैं, व्हेन बटन वन क्लिक, जब क्लिक हो तभी कोई काम हो, ठीक है, तभी हमारा ये एप्लीकेशन वर्क करेगा। और क्या हो क्या करो तो डू में लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि हमें क्या करना है। तो करना क्या है, टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर है उसको बुलाते हैं अपन। तो हम यहाँ गए टेक्स्ट टू स्पीच और उसको हम यहाँ उसको हम कॉल करेंगे। तो हम कॉल कर रहे हैं टेक्स्ट टू स्पीच वन को और वो क्या करेगा, स्पीक करेगा, क्या करेगा, इसको इस मैसेज को, मैसेज कौन सा है जो हम यहाँ देंगे। तो हमने यहाँ पर उठा के लिया है और यहाँ इसको टेक्स्ट कर दिया, ठीक है, ये आपको जो मैसेज है वो रीड करके और वॉइस में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो मैसेज कहाँ से उसको रीड करेगा, यहाँ पर हम बताएंगे कि कहाँ से वो मैसेज को रीड करे। तो मैसेज तो हमारा कहाँ आएगा, मैसेज जो हमारा यहाँ पर होगा टेक्स्ट बॉक्स में, और टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, टेक्स्ट वन, टेक्स्ट वन, ठीक है, इसका नाम टेक्स्ट वन है। तो हमें टेक्स्ट वन फिर टेक्स्ट को हमें यहाँ चाहिए, तो हम चलेंगे यहाँ टेक्स्ट वन में जाएंगे और टेक्स्ट वन का टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ टेक्स्ट वन का टेक्स्ट उठा लेते हैं और यहाँ जाते हैं हम टेक्स्ट वन का टेक्स्ट, ये देखिए टेक्स्ट वर्क वन का टेक्स्ट जो है वो चाहिए। तो ये क्लास उठा के हम यहाँ लगे टेक्स्ट बॉक्स वन में जो भी टेक्स्ट हो उसको ये हमारा कंपोनेंट स्पीक करेगा, यानी बोलेगा। और कब बोलेगा, जब ये बटन वन पे हम क्लिक करेंगे तब, ठीक है। ये पूरा लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली हमारा क्या काम हो रहा है और कैसे हो रहा है, ठीक है। तो अब इसके लिए हम चलते हैं और हम देखते हैं इसके लिए या तो हम QR कोड को स्कैन करके हम ये APK बना सकते हैं और या फिर हमारी APK फाइल को हम डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चलिए QR कोड को स्कैन करते हैं और इसमें हमने क्लिक किया, ठीक है, जैसे हम क्लिक कर रहे हैं तो ये कंपाइल हो रहा है और ये इससे फिर हमारा QR कोड जनरेट हो जाएगा। और जो हमारा QR कोड जनरेट होगा उस QR कोड को हम स्कैन करके हमारे मोबाइल पे ये वाली एप्लीकेशन को हम इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, कंपाइल हो जाने दीजिए।